जब से पार्वती जी प्रकट हुई, सकल सिद्धि और संपत्ति हिमालय के घर में छा गई। धीरे धीरे पार्वती जी बड़ी हुई। एक दिन देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद का पर्वतराज हिमालय ने पूजन किया और अपनी बेटी को उनके चरणों में प्रणाम कराया और बेटी के भाग्य और प्रारब्ध के विषय में पूछा कि मेरी बेटी का ब्याह कहाँ होगा, कैसे होगा। तो श्री देवर्षि नारद ने कहा, महाराज आपकी बेटी बड़ी भाग्यशालिनी है, इसके लक्षण बड़े सुंदर हैं और ये अपने पति को अत्यंत प्यारी और पतिपरायणा होगी। इसके पातिव्रत धर्म को देख करके संसार की नारियां पातिव्रत धर्म का उपदेश प्राप्त करेंगी, शिक्षा प्राप्त करेंगी। गुणों का वर्णन किया और गुणों का वर्णन करने के बाद नारद जी ने कहा कि एक और बात सुन लीजिए। बोले क्या बात? नारद जी ने कहा इसके हाथ में ऐसी रेखा है कि इसका जो पति होगा वो जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, इसका जो पति होगा वो जोगी होगा, अमंगल वेश को धारण करने वाला होगा। अस स्वामी यही कह मिलहिं परी हस्त अस रेख। इसके हाथ की ऐसी रेखाएं हैं जो बता रही हैं कि इसके पति का अमंगल वेश होगा, ऐसा होगा। पर्वतराज को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी बेटी का पति ऐसा होगा। नारद जी ने कहा ये गुण भी अवगुण बन जाएगा। बोले एक उपाय करना होगा। बोले क्या उपाय? बोले ये जितने अवगुण हैं ये भगवान शंकर में गुण बनकर के विराजमान। अगर ये भगवान शिव की आराधना करती हैं, भगवान शिव इनको पति रूप में प्राप्त होते हैं, तो ये जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश जो अवगुण है यही गुण बन जाएगा। कहते हैं कि अगर पात्र व्यक्ति के अंदर अवगुण भी आ जाए तो अवगुण गुण बन जाता है और कुपात्र व्यक्ति के अंदर गुण भी आ जाए तो वो गुण भी दुर्गुण बन जाता है। जैसे तांबे के पात्र में, पीतल के पात्र में दही रख दो तो दही इतना सुंदर है लेकिन वो बेकार हो जाता है। कुपात्र में जाकर के गुण भी दूषित हो जाते हैं और सुपात्र में जाकर के अवगुण भी गुण बन जाते हैं, अवगुण भी गुण बन जाते हैं। नारद जी ने कहा कि भगवान शिव की ये उपासना करेंगी, इन्होंने शिव पति के रूप में प्राप्त होंगे तो इनका मंगल होगा। श्री नारद जी महाराज तो विदा हो गए और फिर सती जी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की है। श्री गोस्वामी पाद लिखते हैं कि उर धरि उमा प्राण पति चरणा जाय विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु पति पद सुमिर तजे सब भोगु नित नव चरण उपज अनुरागा विसरी देह तपसि मनु लागा। पति की प्राप्ति के लिए सती ने तप किया है, वो पार्वती ने तप किया। संबत सहस मूल फल खाए साग खाए सत बरस गमाए, 1000 वर्ष तक तो फल खा करके, फिर 100 वर्ष तक साग खा करके, फिर पत्ते को खा करके, वायु को पी करके, इस प्रकार अनेक प्रकार से कठिन तप किया है। इनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने इनकी परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों को भेजा। सप्तर्षि आए हैं और सप्तर्षियों ने आकर के सती के प्रेम की परीक्षा ली, पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा ली। सप्तर्षियों ने आकर के कहा, देवी जिसके लिए आप तप कर रही हो क्यों इतना परिश्रम कर रही हो? इससे बढ़िया पति मैं आपको बता देता हूं। बोले किसको? सप्तर्षियों ने कहा भगवान विष्णु, वैकुंठनाथ परम सुंदर करुणा निधान, उनको पति के रूप में वर्ण कर लो, मैं उनसे आपका ब्याह करा दूंगा। ये भोलेनाथ के लिए, शिव के लिए इतना तप कर रही हो छोड़ दो। पार्वती ने कहा कि भले शिव जी के अंदर अवगुण है और विष्णु भगवान में सारे गुण हैं,
लेकिन यहां तो मन की बात है। जिसका मन जिसमें लग गया वही उसको प्रिय होता है। अब तो भगवान शंकर भी आकर के कहें कि तुम मेरे लिए तपस्या मत करो, तो मैं उनकी भी बात मानने वाली नहीं हूं। और मेरे गुरुदेव का वचन है, गुरुदेव के वचन की मैं अवहेलना नहीं कर सकती। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। नारद वचन न मैं परिहरऊं, नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं, गुरु के वचन प्रतीत न जेई, गुरु के वचन प्रतीत न जेई, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेई, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेई। पार्वती जी ने कहा कि नारद जी के वचन का मैं त्याग नहीं कर सकती, अब तो चाहे मेरा घर बसे चाहे उजड़े, मैं अपने प्रतिज्ञा का अपने प्रण का त्याग नहीं कर सकती। और यहां पर गोस्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर पंक्ति दे रहे हैं कि गुरु के वचन प्रतीत न जे, जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं होता उसको सपने में भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। सिद्धि की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, अपने कार्य में सफलता की प्राप्ति अगर चाहते हो तो गुरु के वचन में विश्वास रखो। गुरु के वचन में दृढ़ विश्वास जिसको होगा उसको समस्त प्रकार की सिद्धियां और सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं। और गुरु के बिना तो संसार का कोई व्यवहार ही नहीं चल सकता। बिना गुरु के संसार का कोई व्यवहार नहीं चल सकता। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत पग पग पर गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए गुरु के वचन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। यथा देवे तथा गुरु, वेदों ने कहा है जिस प्रकार भगवान में निष्ठा हो उसी प्रकार गुरु में निष्ठा हो, क्योंकि गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं। आचार्यम माम बिजानीयात, आचार्य भगवान का ही स्वरूप होता है। पार्वती जी ने कहा कि मेरे गुरु ने जो कहा है मैं उनके वचनों का पालन करूंगी। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहिकर मन रम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। मेरा मन तो भगवान शिव में रमण कर रहा है और मैं उन्हें प्राप्त करके ही रहूंगी। और ये जन्म तो मैंने शिव के लिए अर्पित कर दिया है। और यह जन्म ही नहीं, अगर इस जन्म में भगवान शिव हमको नहीं मिले तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं तपस्या करते करते मर जाऊंगी और फिर मेरा जन्म होगा और फिर तपस्या प्रारंभ। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊ सम्मुनत रहूं तुम्हारी। एक जन्म दो जन्म नहीं, करोड़ों जन्म तक मैं साधन करूंगी जब तक मुझे शिव की प्राप्ति नहीं हो जाती। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। ऐसी दृढ़ता देखकर, पार्वती जी की ऐसी दृढ़ता को देखकर के सप्तर्षि बड़े प्रसन्न हुए, जाकर के भगवान शिव को बताया। और इधर उसी समय तारकासुर नाम का एक असुर हुआ, जिस तारकासुर के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मांड में सर्वत्र तारकासुर अपने आतंक के द्वारा सबको त्रास देने लगा। और उस तारकासुर के विषय में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी, इसलिए उसे कोई मार भी नहीं पा रहा था। तारक असुर भयो ते ही काला, तारक असुर भयो ते ही काला, तारक असुर भयो ते ही काला, भुज प्रताप बल तेज बिसाला, भुज प्रताप बल तेज बिसाला, तेहि सब लोक लोक पति जीते,
जीते ही सब लोग लोग पति जीते भय देव सुख संपत्ति रीते भय देव सुख संपत्ति रीते। तारकासुर के कारण सभी देवता त्रस्त थे और सब ने निर्णय किया कि भगवान शिव का विवाह कराया जाए और सभी ने भगवान नारायण से कहा कि किसी प्रकार शिव का विवाह हो और इनकी संतान उत्पन्न हो, उसी के द्वारा तारकासुर का वध होगा। अंत में सभी देवताओं ने कामदेव को भेजा है कि जाकर के इनकी समाधि को, भगवान शिव की समाधि को नष्ट करो। कामदेव आया और कामदेव ने अपना ऐसा प्रभाव प्रकट किया, अपने पांचों बाणों का अनुसंधान किया कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर कामदेव के बाण का कोई प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन कामदेव के इस प्रयास से जितने लोग थे सब काम के वशीभूत हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सदाचार जब जोग बिरागा सभय विवेक कटक सब लाघागा। लोगों ने सदाचार और नियम का त्याग कर दिया, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते विकाम बस भय। बड़े बड़े सिद्ध मुनि महात्मा मलात्मा लोग भी काम के परवश हो गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भय काम बस जोगी सतापस पामर निको को कहे, देखहिं चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखत रहे। कामदेव का ऐसा प्रभाव प्रकट हुआ कि जो ऋषि मुनि महात्मा लोग संसार को ब्रह्म के रूप में देखते थे, उनको सारा संसार स्त्री के रूप में दिखाई पड़ा। कामदेव की ऐसी लीला, जो ऋषि मुनि महात्मा अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा कण कण में भगवान का दर्शन कर रहे थे, अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, उन महात्माओं के मन में ऐसा विकार उत्पन्न हो गया कि उनको सर्वत्र स्त्रियां दिखाई पड़ने लगी। देखहिं चराचर नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। और स्त्रियों की क्या स्थिति हुई, बोले अबला बिलो कहीं पुरुष जग, स्त्रियों को सारा संसार पुरुष के रूप में दिखाई पड़ा। और पुरुष जब सब अबलामय और पुरुषों को सारा संसार अबलामय दिखाई पड़ने लगा। द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, काम का ऐसा कौतुक हुआ कि दो दंड के भीतर सारे ब्रह्मांड में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, सभी काम के परवश हो गए। धरी न काहू धीर सबके मन मनसिज, सबके मन को मनसिज कामदेव ने हरण कर लिया। इस पंक्ति को गोस्वामी जी ने लिखा लेकिन कलम रुक गई गोस्वामी जी, लिख तो दिया कि धरी न काहू धीर सबके मन मनसिज हरे, कलम रुक गई। बोले तो गड़बड़ हो गया। बोले क्या गड़बड़ हुआ, बोले सबके मन मनसिज हरे, सबके मन को कामदेव ने अगर हरण कर लिया तो सब में तो हनुमान जी भी आ गए, सुखदेव जी भी आ गए, बड़े बड़े महात्मा भी आ गए, तो सबके मन को अगर कामदेव ने हरण कर लिया तो फिर तो कोई नहीं बचा हमारा, फिर भक्तों का अपमान हो जाए, सुखदेव जैसे ज्ञानी का ज्ञान कहां जाएगा, हनुमान जी जैसे भक्त का समर्पण उनका त्याग कहां जाएगा। कलम रुक गई, अब क्या करें, अब तो लिख गया, अब इसको सुधारा कैसे जाए। बोले सुधारने के लिए कोई उपाय समझ में नहीं आया तो गोस्वामी जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। देखो जब कोई समस्या आवे तो गुरु का स्मरण करना चाहिए और श्री हनुमान जी महाराज को गोस्वामी जी ने गुरु के रूप में ही अनुभव किया है। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव दिनाई, कृपा करो गुरुदेव दिनाई।
हनुमान जी का स्मरण किया गोस्वामी जी ने, और हनुमान जी ने आकर के इस पंक्ति को सुधार दिया। इस सोरठा की पहली पंक्ति को तो गोस्वामी जी ने लिखा और दूसरी पंक्ति को हनुमान जी ने लिखा, ऐसी मान्यता है, भक्तों का भाव है, संतों का भाव है। दूसरी पंक्ति में हनुमान जी ने क्या लिख दिया, जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महा, जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महा, धरी न काहू धीरे सबके मन मन से जे हरे, धरी न काहू धीरे सबके मन मन से जे हरे, सबके मन मन सिज हरे, सबके मन मन सिज हरे। दूसरी पंक्ति में हनुमान जी ने लिख दिया, जे राखे रघुवीर, जिसको भगवान ने बचा लिया वो बच गया। तो भगवान ने किसको बचाया, बोले हनुमान जी को बचा लिया, सुखदेव जी को बचा लिया, अपने परम प्रेमी भक्तों को बचा लिया। और सच्ची बात है, देखो माया को जीत पाना बड़ा कठिन है। आप अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान से, अपने बुद्धि और अपने विवेक से माया को नहीं जीत सकते। बिना मायापति की कृपा के बिना आप माया को नहीं जीत सकते। मायापति की कृपा हो तभी ये माया छूट सकती है महाराज। बुद्धि का और विद्या का, अपने ज्ञान का अगर भरोसा किया तो पतन हो जाएगा, पतन हो जाएगा महाराज। जे ज्ञान मान बिमत तव भव हरणी भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत। भगवान की माया से पार जाने का यही उपाय है कि भगवान के चरणों का आश्रय, उन्हीं का भरोसा, उनकी कृपा होगी तो माया से तर जाओगे। और ये सोचो कि अपने ज्ञान से, बोले ज्ञान को तो माया और पटक देती, ज्ञानियों को तो ऐसा पटकती है कि उनका ज्ञान हवा हो जाता, इसलिए ज्ञान का भी अभिमान न हो, विद्या का भी अभिमान न हो, अपने साधन का भी अभिमान न हो, एकमात्र भगवान के चरणों का आश्रय, तभी माया से मुक्ति हो सकती है। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा, भगवान ने जिनको बचाया वे बच गए। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जौ लगी काम संभुपई भयऊ। काम जब भगवान शिव के पास पहुंचा, भगवान शिव की समाधि तो नहीं टूटी, लेकिन कामदेव ने अपने सारे प्रयास किए, सकल कला करी कोटि विधि हारे उसेन समेत। समस्त कला को करके कामदेव जब हार गया, चली न अचल समाधि शिव कोप्यो हृदय निकेत। फिर तो कामदेव को और क्रोध आया और कामदेव ने भगवान शिव के ऊपर अपने अंतिम बाण को जब छोड़ा, तो छाड़े विषम विसिख उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। भगवान शंभु समाधि से जग गए और भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। तब शिव तीसर नयन उभारा, तब शिव तीसर नयन उभारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा, हाहाकार भयो जग भारी, हाहाकार भयो जग भारी, दर्पे सुर भय असुर सुखारी, दर्पे सुर भय असुर सुखारी। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म किया, इसका तात्पर्य यह है कि दो नेत्रों से हम जो देखते हैं, ये दो नेत्र तो हमारे इंद्रिय रूप है, और तीसरा नेत्र जो है वो ज्ञान का नेत्र है, विवेक का नेत्र। ज्ञान और विवेक के नेत्र से ही काम को
जीता जा सकता है। तीसरे नेत्र के द्वारा भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। जब कामदेव भस्म हो गया तो कामदेव की पत्नी रति देवी ने प्रार्थना की, हे नाथ, मेरे पति को शरीर की प्राप्ति कब होगी? भगवान शिव ने कहा, अब ये अनंग कहलाएंगे, इनका कोई अंग नहीं होगा। बोले, इनको अंग की प्राप्ति, शरीर की प्राप्ति कब होगी? भगवान शंकर ने करुणा की। भगवान शंकर ने कहा कि जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान का अवतार होगा यदुवंश में, तो आपके पति कामदेव कृष्ण भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो ये हरण महाभरि भारा, हो ये हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, कृष्ण तनय हो ये पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही नमोरा, बचन अन्यथा हो ही नमोरा। आपके पति कृष्ण भगवान के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे, ऐसा भगवान ने वचन दिया। इसके बाद देवता लोग भगवान के पास गए कि शिव जी का आप विवाह कराओ। फिर तो भगवान श्री सीताराम चंद्र जी, भगवान श्री राम आए। भगवान शिव ने इनको प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने कहा, नाथ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भोले बाबा ने कहा, क्या मांगना चाहते हैं? भगवान श्री राम ने कहा, मैं आपसे यही मांगता हूं कि आप विवाह कर लो, देवता लोग आपके विवाह को देखना चाहते हैं और आपके विवाह से लोक मंगल होगा। आपके अंदर काम नहीं है, आपको काम के लिए विवाह नहीं करना है, मुझ राम के लिए विवाह करना है। राम जी ने कहा, मेरे लिए आप विवाह कर लो, मेरे कहने पर आप विवाह कर लो। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए गरियसी है। और भगवान शिव ने स्वीकार कर लिया। और फिर पत्रिका भेजी गई और विवाह की संपूर्ण तैयारी हुई। श्री पर्वतराज हिमालय ने अपनी बेटी पार्वती के विवाह की अभूतपूर्व तैयारी की। और इधर भगवान शिव भी विवाह करने के लिए तैयार हो गए, बारात चलने को तैयार हो गई। सब बाराती सज धज करके तैयार हो गए, देवता लोग भी तैयार हो गए, लेकिन शिव जी को तैयार करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अकेले बेचारे, माता पिता भी नहीं, भाई बंधु भी नहीं, एकाकी, तो दुल्हा अपने से कैसे सजे। तो भगवान शंकर के जो गण भूत प्रेत हैं, उन सब ने सोचा कि मुझे ही कुछ करना चाहिए, अपने स्वामी का हमें श्रृंगार करना चाहिए। और फिर भूत प्रेतों ने भगवान शिव का श्रृंगार प्रारंभ किया। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद करही अप्सरागान, शिव ही शंभुगण करही श्रृंगार, शिव ही शंभुगण करही श्रृंगारा, शिव ही शंभुगण करही श्रृंगारा, जटा मुकुट अरु मोर सवारा, जटा मुकुट अरु मोर सवारा, कुंडल कंकन पहरे प्याला, कुंडल कंकन पहरे प्याला, तन विभूत पट के हरि छाला, तन विभूत पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उप गीत भुजंगा, नयन तीन भुजंगा,
गरले कंठ और नर सिर माला, गरले कंठ और नर सिर माला, असिव भेष देव धाम कृपाला, असिव भेष देव धाम कृपाला, करि त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, करि त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसन चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसन चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसन चढ़ी बाजहि बाजा, चले बस चढ़ी बाजहि बाजा। भगवान शिव के गणों ने भोले बाबा का श्रृंगार किया। क्या श्रृंगार किया? बोले जटा का ही मुकुट बना दिया, जटा मुकुट अहि मोर समारा। अलग से कोई सोना चांदी का मुकुट नहीं लगाया। भगवान शिव की जो लंबी लंबी जटाएं थी उन्हीं को लपेट करके, ऐसे मंडलाकार लपेट करके शिखराकार बना दिया, वही मुकुट बन गया जटा मुकुट। जटा का ही मुकुट क्यों पहना? बोले देखो, श्रृंगार करो लेकिन ऐसा श्रृंगार करो जिससे संसार में देखने वाले के हृदय में ईर्ष्या न उत्पन्न हो। बहुत सज धज करके, विलक्षण श्रृंगार करके, सज करके चलोगे तो देखने वाले के मन में ईर्ष्या पैदा होगी, देखने वाले के हृदय में दाह होगा। भोले बाबा ने सोचा सोने का मुकुट लगाएंगे तो देखने वालों के मन में दाह होगा। जो गरीब होगा वो सोचेगा हम तो सोने का मुकुट ही नहीं लगा सकते, इनको तो सोने का मुकुट मिला है। भोले बाबा ने सोचा ऐसा काम करो जो सबके लिए सुलभ हो। जटा का ही मुकुट बना लिया, देखने वाले को कोई ईर्ष्या नहीं हो। जटा सबके पास होती, अपने अपने जटा का सब मुकुट बना लो, कौन किसको रोकने जा रहा है। जटा मुकुट अहि मोर समार। सांपों को उसी जटा में बांध करके मोर की लड़के समान लटका दिया भगवान शिव के लिए। सिर में मोर में सर्पों को लगाया। सर्प क्या है? काल है। सर्प को काल कहते हैं। काल को सिर में बांध कर, सिर में लपेट करके विवाह करने चले। क्या संकेत है? बोले विवाह तो करो, ये संसार का प्रवृत्ति धर्म है। धर्म दो प्रकार का होता है, एक प्रवृत्ति धर्म, एक निवृत्ति धर्म। जिस धर्म के आचरण से संसार से निवृत्ति होती है उसको निवृत्ति धर्म कहते हैं, और जिन धर्मों से संसार में प्रवृत्ति होती है उसको प्रवृत्ति धर्म कहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार के धर्म। तो विवाह करना यह प्रवृत्ति धर्म है। विवाह करने के बाद संतान को उत्पन्न करना, उन संतानों का संस्कार करना, उनका भरण पोषण करना, फिर उन संतानों के संस्कार करते हुए उनके विवाह आदि कर्म करना, यह सब प्रवृत्ति धर्म है। इन सब धर्मों से जीव की संसार में प्रवृत्ति होती है। संसार इसी से चलता है, संसार इसी से बढ़ता है। और निवृत्ति धर्म भगवान की ओर ले जाता है। निवृत्ति धर्म कहता है संसार के इन सारे व्यवहार को छोड़ करके भगवान की शरण में जाओ। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन। तो महाराज, प्रवृत्ति धर्म को छोड़ करके निवृत्ति धर्म में लगना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मन से प्रवृत्ति धर्म छूट जाए तब, अगर संसार की वासना बची हुई है, हृदय में संसार की वासनाएं बची हैं, तो आप अगर निवृत्ति धर्म की ओर जाओगे तो प्रवृत्ति धर्म तो आपका छूट ही जाएगा और निवृत्ति धर्म का भी जीवन में पालन नहीं हो पाएगा, दोनों तरफ से नाश हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है अगर संसार में आसक्ति है, भोग की इच्छा है, काम की इच्छा है, संसार के सुख की इच्छा है, तो इसका भोग कर लो। किस प्रकार से कर लो? विधि पूर्वक। इसीलिए विवाहादि की विधि बनाई गई। विधि पूर्वक प्रवृत्ति धर्म का आश्रय लेकर के संसार के भोगों को भोग लोगे तो एक दिन उन भोगों से निवृत्ति भी हो जाएगी।
और मन से संसार का विषय नहीं छूटा और प्रवृत्ति धर्म में लग गए तो परिणाम क्या होगा? बोले वो निवृत्ति धर्म में लग गए तो परिणाम ये होगा कि निवृत्ति धर्म भी छूट जाएगा और प्रवृत्ति धर्म भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मनु जी महाराज ने कहा है कि ऋणत्रयम अपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों से उऋण होने के बाद ही अपने मन को मोक्ष में लगाना चाहिए। आप देवताओं के ऋण से ऋणी नहीं हुए, अऋणी नहीं हुए। पितर ऋण से आप मुक्त नहीं हुए, ऋषियों के ऋण से आप मुक्त नहीं हुए। और अपना मन आप मोक्ष में लगाना चाहते हो, मन मोक्ष में नहीं लगेगा। इसीलिए मनु जी कहते हैं कि ऋणत्रयम अपाकृत्य, इन तीनों ऋणों को समाप्त करने के बाद ही मन मोक्ष में लगता है। ऋषि ऋण से मुक्त होने का उपाय क्या है? बोले ऋषियों ने शास्त्र पुराण को प्रकट किया है, उन्हीं के बनाए हुए शास्त्र पुराण को पढ़ करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके बदले में हम उनको कुछ नहीं देते हैं, तो हमारे ऊपर ऋण है कि नहीं? भाई जितना ज्ञान विज्ञान हमने सीखा कहां से सीखा? पोथी पुराण से सीखा। और इन पोथी पुराण में जो ज्ञान विज्ञान ऋषियों ने लिखा वो उनकी करुणा, तो उनका ज्ञान हमने प्राप्त किया, लेकिन इसके बदले में हम उनको क्या देते हैं? कुछ नहीं दे पाते। आज तो आ घूमते कहां घर बनाते, तो पृथ्वी का ऋण हमारे ऊपर है और इतना ही नहीं अनेक देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है, उसके बदले में हम उनको क्या देते हैं? उन्हें कुछ नहीं देते। पानी वरुण देवता का, सरकार केवल सप्लाई कर देती है आपके घर में तो उसका टैक्स लेती है, पानी का टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उस जल देवता को हमने क्या टैक्स दिया? कुछ दिया नहीं दिया। तो देखो इस सृष्टि में कुछ भी निःशुल्क नहीं है, सब सशुल्क है। शुल्क बिना दिए काम नहीं चलेगा, निःशुल्क कुछ भी नहीं है। यहां तक कि आप शमशान पर मरने के बाद जब जाते हो तो मुर्दा जलाने के लिए भी शुल्क देना पड़ता, निःशुल्क कुछ नहीं है। तो देवताओं की वस्तु का हम उपभोग करते हैं, देवताओं को उसके बदले में कुछ नहीं देते, तो देवताओं का भी ऋण है। बोले तो इस ऋण से उऋण होने का उपाय क्या है? बोले उन देवताओं की पूजा करो, उनकी आराधना करो, समय आने पर उचित अवसर पर उन देवताओं का आदर करो, उनका सम्मान करो, यही देवताओं के ऋण से उऋण होने का उपाय। तो इस प्रकार से जब हम देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण से उऋण होते हैं तभी हमारा मन मोक्ष में निवृत्ति धर्म में लगता है। और जब तक निवृत्ति धर्म में मन न लगे तब तक प्रवृत्ति धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन प्रवृत्ति धर्म का पालन करते समय भी सावधान रहना चाहिए। क्या सावधानी? बोले जो सावधानी भगवान शंकर बरत रहे हैं। भगवान शंकर प्रवृत्ति धर्म में जा रहे हैं, विवाह करना प्रवृत्ति धर्म है, गृहस्थ धर्म है, लेकिन भगवान शंकर सावधान है। अपने सिर में जटाओं में सांप को बांध करके जा रहे हैं। सर्प क्या है? बोले काल का प्रतीक है। यह स्मरण रखो कि काल हमारे सिर पर बैठा हुआ है। काल को सदा याद रखो, विवाह करो, गृहस्थ जीवन में जाओ, धर्म के अनुकूल विषयों का भोग भी करो, लेकिन ये सोचते रहो कि काल हमारे सिर पर बैठा है। अगर काल को स्मरण करते रहोगे तो आपसे कोई असावधानी नहीं होगी। प्रवृत्ति धर्म में भी रह करके आप धीरे धीरे निवृत्ति पथ के पथिक बन जाओ। इसलिए भगवान शिव ने काल को सिर पर बांध लिया और चल पड़े। सरस ललाट सुंदर सिर गंगा, सिर पर चंद्रमा है और गंगा जी है। चंद्रमा अत्यंत शीतल होता है और गंगा जी भी शीतल है। इन दो शीतल वस्तुओं को अपने सिर पर रखा। क्यों? बोले सिर ठंडा बना रहे,
संसार के प्रवृत्ति धर्म में अगर जाते हो तो सिर को ठंडा रखो, ज्यादा गर्मी हो जाएगी तो फिर काम बिगड़ जाएगा। मन को ठंडा रखो, दिमाग ठंडा रहेगा तभी संसार की व्यवस्था चलेगी, नहीं तो पग पग पर कठिनाई उत्पन्न होगी, आप क्रोध में आ जाओगे, आवेश में आ जाओगे, और क्रोध आवेश में आने पर उसका परिणाम बिगड़ जाएगा। इसलिए शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेश शिव धाम कृपाला। ऐसा अद्भुत श्रृंगार भोले बाबा का शिव गणों ने किया। और बारात जब चलने को तैयार हुई तो जितने बराती थे देवता लोग सब सोचने लगे, ये तो हमारे अनुरूप तो दुल्हा है नहीं। अब बराती आगे आगे जा रहे हैं, दुल्हा बेचारा अकेले, दूल्हे के अनुरूप बरात नहीं थी। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करई हो परपुर जाई। फिर तो भगवान शिव ने अपने गणों को स्मरण किया और भगवान शिव के सभी गण भूत प्रेत पिशाच सब आ गए। श्रृंगी ने, भगवान शिव के गण ने, भृंगी ने सबको बुलाया और लंबी चौड़ी बारात तैयार हो गई भूत प्रेतों की, और भोले बाबा दूल्हा बनकर के चल पड़े। गोस्वामी जी महाराज कहते अब बारात सज गई। क्यों? बोले अब दूल्हा जैसा है बारात भी वैसी ही हो गई। शिव अनुशासन सुनी शिव आए, शिव अनुशासन सुनी शिव आए, प्रभु पद जल शीश तिन नाए, प्रभु पद जल शीश तिन नाए, नाना बाहन नाना वेशा, नाना बाहन नाना वेशा, से शिव समाज निज देखा, से शिव समाज निज देखा, को मुख हीन विपुल मुख काहू, को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन बिहीना, विपुल नयन को नयन बिहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन। ऐसी अद्भुत बरात सज करके तैयार हो गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसे दुल्हा है ऐसी ही बरात सज करके तैयार हो गई। कौतुक विविध हो ही मग जाता, मार्ग में विभिन्न प्रकार के कौतुक होने लगे। आनंद पूर्वक बराती लोग चल पड़े। बरात जब पहुंची हिमाचल के यहाँ तो दुल्हा की आरती करने के लिए पर्वतराज की पत्नी मैना थाली सजा करके लेकर के आई। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गाव बहिनारी, संग सुमंगल गाव बहिनारी, कंचन थार सोह बर पानी, कंचन थार सोह बर पानी, पर छन चली हर ही हर सानी, पर छन चली हर ही हर सानी, बिकट बेस रूद्र ही जब देखा, बिकट बेस जब देखा, अब नन और भय भय बिसेखा, अब नन और भय भय बिसेखा, भाग्य भवन
नहीं पेठी अति त्रासा भागी भवन बैठी अति त्रासा गए महेश जहाज पासा गए महेश जहाज पासा। मैना देवी आरती करने के लिए आई, भगवान भोलेनाथ की आरती उतारने चली मैना जी। अब महाराज भोले बाबा के गले में वो एक बैठा हुआ था सर्प, जब आरती ऐसे घुमाया तो आरती की लौ को, बत्ती की लौ को देख करके सांप ने वो फुफकार मारा, तो दीपक ही बुझ गया महाराज, आरती बुझ गई। अब तो मैना को डर लगा, मैना के हाथ से वो थाली छूट करके गिर पड़ी वहां और भगी वहां से, भागी भवन पैठी अति त्रासा। भोले बाबा चले आए जनवासे में, भोले बाबा को बुरा नहीं लगा। दूसरा कोई दूल्हा होता तो कहता ये मेरा अपमान हो गया, आरती नहीं उतारी सासू जी ने और सासू जी ने थाली पटक दिया, ये तो अमंगल हो गया। लेकिन भोले बाबा ने मन में सोचा कि हो सकता है इनके यहां की यही रीति हो, क्योंकि हर देश की अलग अलग रीति होती। व्याकुल होकर के गई और अपनी बेटी पार्वती को गोद में ले लिया और विलाप करने लगी। अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरे बारी, रोती हुई मैना कहने लगी कि मेरी बेटी को जिस विधाता ने इतना सुंदर बनाया तो इसके अनुरूप वर क्यों नहीं बनाया, ऐसे बौराह वर के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगा, मैं अपनी बेटी को लेकर के पर्वत से कूद जाऊंगी, प्राणों का त्याग कर दूंगी, लेकिन ऐसी बेटी, ऐसे वर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। और नारद जी को देखो, नारद जी ने आकर के मेरी बेटी को क्या सिखा दिया, नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत गुजारा, पर घर घालक लाजन पीरा। दूसरे के घर को बिगाड़ने वाले, इनके मन में कोई पीड़ा तो है नहीं। इस प्रकार मैना ने बहुत कुछ कहा। उसी समय नारद जी आए और नारद जी ने सबको समझाया, नारद जी ने दिव्य ज्ञान दिया। नारद जी ने कहा देवी ये आपकी बेटी साधारण कन्या नहीं, ये भगवान शिव की सनातन प्रिया हैं, शिव प्रिया हैं। ये तो आपका सौभाग्य है कि आपके घर में बेटी बनकर के प्रकट हुई, और ये सनातन दिव्य दंपति हैं, आप मन में ऐसा अन्यथा भाव मत लो और इनका विवाह तो इन्हीं के साथ होगा, भोलेनाथ के साथ। नारद जी के इन वचनों को सुनकर के पर्वतराज हिमालय और मैना दोनों का मोह भंग हो गया। सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छनमह व्याप्यो सकलपुर घर घर यह संवाद। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। मैना और पर्वतराज हिमालय आनंदित हो गए और बार बार अपनी बेटी पार्वती को प्रणाम करने लगे कि ऐसी कन्या को मैंने प्राप्त किया है जो भगवान शिव की प्रिया हैं। और फिर तो महाराज अनेक प्रकार के दिव्य बाजे बजने लगे और बड़े धूमधाम से वेदी का निर्माण हुआ। वेदी वेद विधान समारी, वेदी वेद विधान सवारी, वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहिं नारी, सुभग सुमंगल गावहिं नारी, सिंहासन अति देव सुहावा, सिंहासन अति देव सुहावा, जाइन वरन बिरंच बनावा, जाइन वरन बिरंच बनावा, बैठे सत्व बेपन सिरुनाई, बैठे शिव बेपन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई, हृदय
हृदय सुमे दिव्य मंडप का निर्माण पहले से हुआ था। ब्राह्मणों ने वेदी का निर्माण किया, दिव्य आसन मंगाया, भगवान शिव आसन पर विराजमान हुए, ब्राह्मणों को मनसा प्रणाम किया, फिर पार्वती जी को सखियां लेकर के आई और पर्वतराज हिमालय ने हाथ में जल कुश अक्षत द्रव्य दूर्वा मांगलिक पदार्थों को लेकर के पर्वतराज हिमालय ने अपनी बेटी का पार्वती का कन्यादान किया। गहि गिरी सुकुश कन्या पानी भवहि समर्पी जानी भवानी प्राण ग्रहण जब कीन महेशा ही हर्षे तब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनिवर उच्च रही जय 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 शंकर सुर रही। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया, सब लोग जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नव भई विधि नाना आकाश से अनेक प्रकार से पुष्प वृष्टि होने लगी। देवता लोग आनंदित हुए और बड़े धूमधाम से भगवान शंकर का भगवती पार्वती के साथ विवाह संपन्न हुआ। पर्वतराज हिमालय ने ढेर सारा दहेज दिया, दाइज दियो बहुभांति पुन कर जोरी हिम भूधर कर। ढेर सारा दहेज पर्वतराज हिमालय ने भगवान शंकर को दिया है। देखो दहेज आज समाज में अभिशाप बना हुआ है। दहेज के कारण अनेक प्रकार की समस्याएं समाज में उत्पन्न होती, और दहेज पर्वतराज ने भी दिया शंकर जी को। दहेज देना तो शास्त्र की विधि है और लेना भी विधि है, लेकिन किस प्रकार लेना किस प्रकार देना ये समझने की आवश्यकता है। दहेज लेना भी चाहिए और दहेज देना भी चाहिए, लेकिन किस प्रकार से, बोले अपनी शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार जो बन पड़े वो देना चाहिए और प्रेम पूर्वक कन्या पक्ष के लोग जो कुछ दे दें उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, ये लेने की विधि है। अपने तरफ से कोई मांग नहीं रखनी चाहिए कि नहीं हमको इतना ही चाहिए, प्रेम पूर्वक उपहार के रूप में जो कुछ दे दिया जाए उसे ले लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसी विधि है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की।